पहुंच गए मेरे मम्मी के घर। अभी मेरी मम्मी को पता था कि हमारे लेकिन आ गए हैं ये नहीं मालूम है। तो देखिए एक माँ बेटी का मिलन सरप्राइज। आप पूरी नाइट यहाँ प्लेटफार्म पर रुके थे, अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं बस स्टैंड, यहाँ से मिलेगी बस ट्रेन हमारे गांव के लिए। और यहाँ से जाना है डायरेक्ट मुझे मेरे मम्मी के पास से। देखिए रात हम लोग किस स्थिति में थे, कुछ भी यहाँ पे, लेकिन मेरे दो बेटे बहुत 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 बेकार हैं सारे कुत्ते। मेरे दोनों छोटे वाले बेटों ने पूरी रात जग के हम लोगों का मारा है। सो गया था ये मेरे दोनों बेटों ने जाके रात में हम लोगों की सुरक्षा की माँ बेटे ने। मैंने थोड़ा नींद लिया, आराम किया, क्योंकि ट्रेन का सफर था फ्रेंड बहुत ज़्यादा है, शरीर में एकदम हलचल थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना है खर्च। और अभी समय तो यहाँ सब पूरा हम लोगों ने यहाँ पे अपना क्या बना के रखा था, टेंट बना कर रखा था। ये हमारा बिस्तर था, मेरी साड़ियाँ अभी से फोल्ड कर रहे हैं जैन भैया की मिठाई। यहाँ से यहाँ पर लेटे थे जमीन में ये साड़ी बिछा कर, फ्रेंड देख कर लोग हम लोगों को हंस रहे थे कि किस तरह से इनके पास रहने बिछाने के लिए चादर भी नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय था इसलिए हम चादर उधर कुछ लेकर नहीं चले थे। फाइनली इसीलिए साड़ी में हमने रात गुजारी। तो क्या हुआ, जो जैसा समय रहता वैसे रहना पड़ता। और उस पर भी मेरे बेटे को फ्रेंड नाइट में इतनी तेज ज़्यादा बुखार आ गई थी, बड़े वाले को, तो हम तो बहुत डर गए थे कि अभी इतनी समय रात के 11:30 बज रहा है, कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन दवा थी उसकी, पहले से ही तबीयत खराब थी 2 दिन पहले से आने से, हमने उसे दवा दिया, थोड़ा आराम लगा, किसी तरह तो नाइट कट गई। अब चलिए चलते हैं गांव की ओर, आप लोग भी हमारे साथ चलिए गांव। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह रविवार की आप लोगों की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और ये है यहाँ की चाय, आप लोग भी आ सकते हैं चाय पीने। ये यहाँ पे मिली है फ्रेंड 10 रुपए की चाय, स्वाद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय पीने की आदत है, इसके बिना दिन चल नहीं सकता बिना चाय के। बाकी पूरा दिन खाना मिले ना मिले, नाश्ता मिले, लेकिन चाय ज़रूरी है। जो मैंने अभी ये देखिए चाय ली है, लेकिन अब कुछ ये नहीं है, चलिए ठीक है। स्टेशन पे सिर्फ पैसा खर्च होता है, सामान कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। अरे ये सब हो गए मुँह धोकर फ्रेश एकदम, अब घर पर ही जाकर नहाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड बाथरूम टॉयलेट के इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं कि आप लोगों को क्या बताएं। स्टेशन पे आप लोग रुके तो सावधान, हमें तो बहुत लूट रहे, पहली बार थे हमें पता नहीं चला। एक बॉटल में ना लो ना थोड़ा पानी, रास्ते में फिर प्यास उस लगे तो वो गर्म है, तो अभी ताज़ा पानी लेके जाओ, थोड़ा लेके आना नॉर्मल वाला जो है। हो गए तैयार, एक बैग उठाना, बाकी कुछ नहीं सुनना। ये इसकी पता नहीं क्या ऐसा कर दिया है, ये भी जाए ना मुझे क्या मार मारा हो ना सामने खड़े तो ए ओए ए भैया बैग खोल लेगा, बैग बैग ना ले, देखो लाने मने का बड़े जाने ये कहा था का चीज का क्या लेगा? क्या हुआ? साढ़े पाँच लेट हो फिर चला ना। अरे तो चल तो रहे हैं तैयारी बना ले, तब तो ये सब ऐसे चल रहे छोड़ के जो कुछ यहाँ छोड़ कुछ। रात में तो पूरा घर की तरफ बिछा बिछा कर फैल गए थे, लग ही नहीं रहा था कि स्पेशल। बाय बाय रिवर स्टेशन, ऐसा रात में रुकने का कभी मौका ना आए। चलो सामने उल्टा तिरछा जाए स्टेशन, एक बार देखे थे दोबारा देख लीजिए। बारह मौजूद 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है।
तो हमें बादाम बोल पता करो ना, रख दो यहाँ पे पूछाओ। ये आ गए हैं बस स्टैंड और अभी सुबह सुबह में बस 6 बजे के शायद 6:30 बजे पता करके आओ। मुंह देखा था? नहीं देखा, उतार ले खोल ले पूरा। अब बोलो पहुंच गए हैं अपने गांव और ये देखिए चारों तरफ का जंगल और इतनी धूप। अभी 10 नहीं बजा है लेकिन लग रहा है कि 12 बज गया। अब यहां से पैदल जाना है मम्मी के घर तक। अब डायरेक्ट मिलते हैं मम्मी के घर। पहुंच गए मेरे मम्मी के घर। अभी मेरी मम्मी को पता था कि हमारे लेकिन आ गए हैं ये नहीं मालूम है। तो देखिए एक माँ बेटी का मिलन सरप्राइज, आप लोग बने रहिए। फालू में मेरे मायके में ये आगे ना दिखा दे अभी। हाय ता हाय बेबी। बेबी कम हो गया, कुछ ज्यादा नहीं दुबर आएगा बोले। पहले बता देते